आपने बताया कि वो एक एजाजी आपकी मेंबरशिप है तो वो आपने मुझे दी, तो आपकी पूरे कराची प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस सारा जो है, मुझे अभी किसी ने यहाँ पे आते हुए पूछा कि इससे पहले कभी कराची क्लब आए थे, सॉरी कराची प्रेस क्लब आए थे, तो मैंने बोला 12-13 साल पहले मुजाहरे में आया था कराची के सी सी एसोसिएशन का मुजाहरा था, तो बस में बैठ के आया था भाई 12-13 साल पहले यहाँ पे बात हुआ है। और अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जिस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम को इस तरह रोशन करने की कोशिश करेंगे। और क्रिकेट के हवाले से ये कि बिल्कुल बचपन से स्टार्ट किए, 2000 से मैंने अंडर 15 केसेस के जोन 6 से स्टार्ट की, और उसके बाद खेलते रहे। यहाँ पे शाहिद भाई बैठे हुए हैं और माजिद भाई हैं, शाहिद हाशमी हैं, ये लोग मतलब काफ़ी टाइम से मुझे देखते हुए, मतलब सारी क्रिकेट मेरा बचपन जो है वो इन्हीं के सामने गुजरा है। और जिस तरह इन लोगों ने देखा है कि मैंने पहले अंडर 15 खेली KCCA से, फिर 17 खेली, 19 खेली, उसके बाद फिर मैं कराची 19 की टीम में सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद उसमें एक थे खालिद ऐशान हमारे कोच, यहाँ पे मौजूद नहीं है वो भी, मतलब इनके सामने सारा मेरा बचपन गुजरा है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा मुझे खेलते हुए किस तरीके से, मैं 19 खेली, फिर उसके बाद 2007 में पहली बार जो है पाकिस्तान के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, जयपुर में मेरा पहला वनडे था, और फिर उसके बाद एशिया कप खेला, फिर मेरा 2010 में टेस्ट डेब्यू हुआ होबार्ट में, फिर टीम से बाहर हो गया, फिर 2012-11 में कमबैक हुआ वनडे की टीम में, तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। और फिर अल्लाह ताला ने जब 2014 से हाथ पकड़ा है तो अल्लाह ताला अभी तक खिला रहा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला का करम है और अभी तक रहा है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। हाँ देखें बिल्कुल, जब आप टीम में नहीं होते तो ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, और आपकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम में खेलें, और जहाँ से आपने बोला कि कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और देखें सबसे मेन चीज़ होती है इज्जत, और इस पर जिस तरीके से आज मैं यहाँ पे आया कराची प्रेस क्लब में, और जिस तरह तमाम लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, तो ऐसी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक जज्बा पैदा है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से आज लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जैसे हम लोग परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। सर देखें टॉस जीतने के बाद, मैंने पहले भी यहाँ मेंशन किया कि टॉस जीतने के बाद बड़ी अच्छी फीलिंग थी कि अच्छा हुआ टॉस हार गए, और जिस तरह मैच शुरू हुआ और जिस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ, हालांकि 9 बॉल पे फखर आउट होगा, लेकिन देखें जब आप बहादुरी से खेल रहे होते हैं और नियत आपकी साफ होती है और आपकी पूरी एक दिन का एक ही गोल होता है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और मैच जीतना है, और मैच से पहले भी यही गोल था और लड़कों से यही कहा था कि रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, चाहे हम जीतें या हारें वो अल्लाह ताला को पता है, अगर हम जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं, अगर हम इसी मोमेंटम के साथ खेलें तो इंशाल्लाह हम ये फाइनल जरूर जीतेंगे। ऐसे नहीं कि लड़कों ने बहादुरी के साथ रहते खेले, और जब आप बहादुरी से खेलते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है, जैसे फखर की 9 बॉल हुई और उसके बाद जिस तरीके से उसने इनिंग खेली, मतलब तमाम लड़के उस मैच में, आप पूरी बैटिंग लाइन देखें, हमारी फील्डिंग देखें, बॉलिंग देखें, तो पूरी टीम जो है ना, पूरी टीम ने इंडिया को आउट क्लास किया हमने उस मैच में। नहीं सर, मैच वाले दिन कोई मार नहीं पड़ी थी, बस अल्लाह का नाम लेके ग्राउंड में गए थे और बस अल्लाह ने मदद की सारी। चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान का राज हुआ तो सिलेक्शन कमेटी से लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम सबको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन आप क्या ख्याल करते हैं कि इस जीत ने पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट के ढांचे में भी और एक नई जिंदगी फूंक दी है, और इसे क्रेडिट आप किसको देंगे? हाँ देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली जब पहला मैच हारे थे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, और एज अ टीम जो है थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मैच हारे थे,
हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इतना बुरा मैच हम लोग हारेंगे, लेकिन देखिए टीम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि लड़कों को बहुत ज्यादा बूस्टअप किया और उसके बाद लड़कों को बहुत ज्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की जीते और जिस तरीके से हम लोग टूर्नामेंट खेले और एक क्रिकेट की में जो है वो एक नई जान आ गई है बच्चों में और शौक पैदा हो रहा है, लोगों में जज्बा पैदा हुआ है और आई थिंक मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान की जीत है, पूरी पीसीबी की है, सेशन कमेटी, इसमें किसी एक बंदे की एफर्ट नहीं कि मैं कहूँ सिर्फ टीम जीती, मैनेजमेंट ने अपना वर्क अदा किया, सेशन कमेटी का है, पीसीबी के मैनेजमेंट का अपना वर्क, तो आई थिंक ये पूरी एक पाकिस्तान की जीत है और आई थिंक इस जीत से पाकिस्तानी क्रिकेट में एक नई जान आ गई और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं बिल्कुल मशवरा लेता हूँ और ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन होती है, ऐसे बार बार कभी बॉलर की बात भाग के जाना पड़ता है और कैप्टन और बॉलर्स का प्लान होता है तो उसके मुताबिक ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जगह विकेट कीपिंग के शोबे में तो मुझे जाहिर सी बात है आगे जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी सीनियर प्लेयर हैं चाहे वो शुएब भाई हो, हफीज भाई हो, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, अजहर के साथ तो मेरा पहले से ही जब वो कप्तान था और अभी भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर प्लेयर से नहीं पूछता और जब भी पूछता हूँ और अच्छा मशवरा देते हैं जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। जब भी आपको टीम मिली मुश्किल में मिली, चाहे T20 हो, वनडे हो, अब टेस्ट टीम की क्यादत भी मिल रही है और रिफाउल और यूनुस खान जो है वो टीम में नहीं है, आगे सीरीज सर से करी है टेस्ट सीरीज, तो ये इम्तिहान आप समझ रहे हैं कि मुश्किल है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी आपके साथ इस टाइम नहीं है। हाँ देखें बिल्कुल जैसे कि आपने बोला कि यूनुस भाई और मिर्जा भाई, आई थिंक दोनों हमारे लेजेंड प्लेयर थे और इनकी कमी पूरा करने में देखें टाइम लगेगा, जब भी टेस्ट टीम को हमेशा मुश्किल आई, मिर्जा भाई और यूनुस भाई ने हमेशा फ्रंट से लीड किया, मिर्जा भाई जिस तरीके से 7 साल से टेस्ट टीम को लेकर चल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की और उसके बाद यूनुस भाई जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जब भी मुश्किल सूरत हाल आई हमेशा यूनुस भाई मटिया बुरहान का उन्होंने किरदार अदा किया, तो आई थिंक दोनों प्लेयर ने देखें, लेकिन अभी जो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं दोनों जैसे आप टेस्ट टीम में आप देखें एक चैलेंजिंग है, बिल्कुल टेस्ट की कप्तानी करना एक डिफरेंट फॉर्मेट है और थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डे बाय डे गेम चेंज होती है, सेशन की गेम्स होती है, तो ये एक चैलेंजिंग है बिल्कुल, लेकिन देखें लड़के प्लेयर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, अभी आप देखें अजहर अली जो टीम में मुस्तकिल खेल रहे हैं, असद हैं, बाबर है माशाल्लाह वो टीम में उसकी जगह बिल्कुल पक्की होती जा रही है, तो आई थिंक ये प्लेयर्स हैं जो कि यूनुस भाई और मिर्जा भाई की जगह ले सकते हैं इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि ये लोग उनकी जगह को जरूर पूरा करेंगे और जितने भी आगे नए यंगस्टर आ रहे हैं अगर उनको प्रॉपर मौका देंगे इंशाल्लाह तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस करेंगे। नहीं सर देखिए ऐसा नहीं होता कि नए लड़के आ रहे हैं तो सीनियर प्लेयर्स को निकाल देना चाहिए, देखिए हमारी आप टीम देखें सीनियर और जूनियर का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ऐसा नहीं होता कि जूनियर्स आएंगे तो सीनियर को निकालते हैं, सीनियर्स भी टीम की ज़रूरत होती है क्योंकि जो जूनियर प्लेयर्स आते हैं उनको सिचुएशन का आइडिया नहीं होता, बाज़ वक़्त ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाती है जैसे कि इंडिया के मैच के बाद इस तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ था टीम के ऊपर, तो आई थिंक देखें उसमें जो हमारे सीनियर प्लेयर है शुएब भाई हो गए, हफीज भाई हो गए या अजहर हो गए, मतलब देखें एक उनकी बात करने से क्योंकि उन्होंने ये क्रिकेट खेली भी होती है, वो एक एक्सपीरियंस से गुजरे हुए होते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा फायदा हो जाता है और हमारी टीम को फायदा भी हो रहा, तो ये कि मैं समझता हूँ कि अगर सीनियर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जूनियर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो जरूर सीनियर और जूनियर को साथ रखना चाहिए। हाँ देखिए बिल्कुल ये अम्मी हालांकि अम्मी को पहले जाना था लेकिन बस ये था कि वो थोड़े से बिजी इशू हो गए थे तो जिसकी वजह से माँ बाप की बिल्कुल दुआएं होती हैं और जिस जगह वो चली गई थी तो आई थिंक डायरेक्टली बिल्कुल दुआएं लग रही थी, बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल वहाँ से दुआएं लग रही थी और अल्लाह ताला की मदद थी, आई थिंक पूरी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं थी हमारे साथ, माँ बाप की दुआएं तो हैं और माँ बाप की दुआओं से आज अल्लाह ने ये इज्जत दी है, ये मकाम दिया है। और जहाँ तक आपने बात की आजम भाई की, देखें उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के मतलब साहबी हैं, माजिद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, शाहिद भाई हैं, तो ये सारे लोग हैं, आई थिंक वो लोग अच्छे से जानते हैं वो उन्होंने कितनी मेहनत की है, मैं हो गया चाहे वो असद शफीक हो, अनवर अली हो,
चाहे कराची के और भी प्लेयर्स आए थे, देखिए हम लोग तो सामने आ जाते हैं लेकिन उन लोगों को भी नाम जिंदा रहना चाहिए क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट पर बड़ी मेहनत की है और उनका नाम हमेशा मैं जब भी होता है जहाँ भी रहता हूँ उनकी बड़ी खिदमत है कराची क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। कि अगर आज सरफराज अहमद कुछ है तो उनके पीछे आजम भाई हो गए या जफर भाई हो गए, नदीम उमर साहब हैं, आई थिंक ये तमाम लोग हैं, हमेशा मुइन भाई हैं हमारे, साजिद खान हैं पुराने क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शुएब मोहम्मद, राशिद खान, तो आई थिंक ये तमाम लोग हैं जिनकी बड़ी हमेशा से सपोर्ट रही है और मैं हमेशा इनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जब मुश्किल टाइम था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बैक किया कि नहीं यार तुम कम बैक करोगे, टीम में कम बैक करोगे, परफॉर्मेंस दिल कभी नहीं हारना। तो आई थिंक ये लोग हैं अच्छी चीज़ थी कि मैं बहुत अच्छे लोगों में उठा बैठा जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छी तरबियत दी और हमेशा यही समझाया कि कभी रिसार्ट नहीं होना, मेहनत करोगे सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला जरूर रिजल्ट देंगे। और जहाँ तक आपने बात की अब्दुल्ला की, तो अब्दुल्ला भाई का पहला टूर था और माशाल्लाह से बहुत लकी साबित हुए और चैंपियन ट्रॉफी भी अपने साथ ली है। तो मैं ये तवक्कुल करूँ कि आप आइंदा 25 साल तक तो पक्के हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आपने कामयाबी दिलाई, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी टीम का एक ये भी दुख है कि वो आसमान पर जाती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। आप बताइए कि ये कामयाबी जो है वो किस तरह से आप कंटिन्यू रख सकेंगे? हाँ देखिए सर, बहुत अच्छी आपने सवाल किया कि ये अब जो जैसे कि अब जैसे चैंपियन ट्रॉफी हम लोग जीते हैं तो पूरी पाकिस्तानी आवाम की उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यही हमारी आने से पहले मेरी बात होती कोच कि अब हमने टीम में कंसिस्टेंसी लेके आनी, जिस तरीके से हम लोग ये चैंपियन ट्रॉफी खेले हैं, जिस तरीके से हमने कमबैक किए, अब हमारा अगला टारगेट यही कि हमने बेहतर से बेहतरी की तरफ जाना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है और जिस तरीके से लड़के मोटिवेटेड हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतरी आएगी और कंसिस्टेंसी हमारा मेन टारगेट है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। एक लंबा गैप आ गया है, जून में पाकिस्तान ने खेला था चैंपियन फुटबॉल और अक्टूबर में हमारा टूर, तो इतना लंबा गैप फिटनेस और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस में? हाँ देखिए अगर आप बिल्कुल गैप तो लंबा है लेकिन अगर आप पिछले साल से आप देखें पिछले इंग्लैंड टूर से हम लोग कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इंग्लैंड टूर हमने किया, फिर वेस्ट इंडीज से हम दुबई में खेले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर PSL, फिर वेस्ट इंडीज चैंपियन ट्रॉफी, देखिए गैप तो बिल्कुल है लेकिन तमाम लड़के जो अपने क्रिकेट खेल रहे हैं अभी CPL में कुछ प्लेयर जा रहे हैं, कुछ काउंटीज में प्लेयर्स खेल रहे हैं और बाकी हमारा फ्यूचर कैंप वहाँ पर लगा हुआ, तो आई थिंक ये तमाम लड़के जो हैं वो सब जगह बिजी हैं और एक अच्छा टाइम मिल गया जो हमारा फिटनेस के थोड़े बहुत हैं क्योंकि चीज़ें हमारी अल्लाह का शुक्र है पिछले 1.5 साल से आप देखें बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इंशाल्लाह क्योंकि ये गैप मिला है जरूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और जो जो हमारे हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वीक पॉइंट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सरफराज आप काउंटी खेलने जा रहे हैं, इससे कितनी मेच्योरिटी आएगी आपके लिए, कितना हेल्पफुल होगा? हाँ देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे काउंटी खेलने की ऑफर हुई और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और जिससे भी मैंने पूछा तो सबने ये कहा कि बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल होता है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ जल्दी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और जो मैं वहाँ से कुछ सीखूंगा प्रोफेशनलिज्म जरूर अपने प्लेयर्स को जरूर बताऊँगा। नहीं सर देखिए बिल्कुल वो एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि पहला मैच हारने के बाद इतनी बड़ी चेंज करना क्योंकि अहमद के साथ हम लोग खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज से वो ओपन करता हुआ था तो एक ब्रेव डिसीजन था, मैंने और कोच ने मिलकर हमने वो डिसीजन लिया। और जहाँ तक आपने बात की फ़खर की कि उस क्योंकि फ़खर को स्पेशली मैं खुद जानता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ पे कराची में खेलते रहे, हम लोग की क्लब में खेलते रहे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, तो बिल्कुल देखिए फ़खर ने बिल्कुल एक मोमेंटम चेंज कर दिया। और उसके साथ जहाँ तक आपने बात की अगर देखें अजहर का जो लाने का मकसद था हमारा कि टीम में एक ऐसा प्लेयर जो कि नई बॉल अच्छे से खेल सके और जिस तरीके से वो पूरा टूर्नामेंट खेला थ्रू आउट जैसे कि आपने फाइनल में देखा उतनी बड़ी जबरदस्त इनिंग, लेकिन पूरा क्रेडिट दिया वो फखर जमान को जाता है कि जिस तरीके से वो अपने पहले मैच से स्टार्ट हुआ उसने बिल्कुल भी ये फील नहीं कराया कि वो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो और आप देखें कि हर मैच के बाद वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ गया, तो आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है फखर जमान को जिस तरीके से उसने इनिंग का हमें स्टैंड दिया, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए।
सरफराज, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, ग्लोबल इंपैक्ट एक गया, उसके बाद फिर इतने सारे स्टार फुटबॉलर ना डीन्यू समेत पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के जो ग्राउंड अब तक इंटरनेशनल सतह पर विरान है, तो आपको क्या मैसेज देना है दुनिया भर को कि अब देखिए खिलाड़ी भी आ रहे हैं और हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत के भी पैगाम दिया है, तो दुबई से जो है ना हमें होमवर्ड वर्दी जो है यहीं मिलन दिए पाकिस्तान को, तो पैगाम देंगे हाँ सर? देखिए बिल्कुल, मैंने वहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के बाद जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब मैंने यही कहा था कि जितनी भी इंटरनेशनल टीमें हैं वो अब पाकिस्तान को रिकोगनाइज करें, क्योंकि जितना पाकिस्तानी क्रिकेट को लॉस हुआ शायद किसी मुल्क को ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पिछले 9 साल से पाकिस्तान में होम क्रिकेट नहीं खेल रहे और होम एडवांटेज बिल्कुल हमारे पास नहीं है। दुबई में हम लोग खेलते हैं लेकिन एक होम जैसी कंडीशन मिल जाती है, लेकिन अब होम में खेलने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस तरह टीमें इंग्लैंड में खेली हैं, वहाँ भी सारे बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन वहाँ भी जब टीमें खेली हैं तो उनको बिल्कुल पाकिस्तान आना चाहिए। और जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स जगह आपने जिक्र किया कि फुटबॉल के प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि स्क्वैश का एक इवेंट होने वाला है, तो आई थिंक देखिए बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो अभी आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियंस आईसीसी की प्लेइंग 11 आ रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली होगी और हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा होगी। हाँ देखिए रोल दोनों का है, देखिए क्योंकि प्लेयर ऐसे बात है डोमेस्टिक से ग्रूम होके आता है और पीएसएल में खेल जाए, ऐसा नहीं है कि देखिए प्लेयर दोनों से आ रहे हैं, मैं जो आया हूँ मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक से आया, क्योंकि उस वक्त पीएसएल नहीं हुई थी जब मैं पाकिस्तान टीम में आया। और पीएसएल का देखिए पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दो लड़के ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और वो नज़र में मतलब आते हैं लेकिन वो उस लेवल पर नहीं आ पाते, जैसे फखर जमान था वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा था लेकिन उसको लोगों ने नहीं देखा, मतलब अब शादाब थे वो अंडर 19 खेले लेकिन वो नज़रों में इम्पैक्ट जो उनका आया वो पीएसएल की वजह से आया, चाहे वो हसन हो या रुमान अली हो। आते देखें ये नहीं कहेंगे डोमेस्टिक से भी प्लेयर आ रहे हैं और पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो कि लड़कों को एक इंटरनेशनल माहौल पैदा दे रहा है, एक क्राउड का एटमॉस्फेयर दे रहा है लोगों को, मतलब जो प्लेयर्स हैं हमारे वो इंटरनेशनल पहले से जो कहते थे ना कि हमारा एक गैप है, तो पीएसएल उसको फुल करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक के साथ साथ हमारी पीएसएल भी हो रही है और उससे पाकिस्तान को प्लेयर्स मिल रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की देखिए तनकीद बिल्कुल होती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, जब आप गंदा खेलते हैं तो बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जातियात पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जातियात पर आप तनकीद करते हैं तो वो भी पर्सनल हो जाता है फिर। और मैं ये कहूँगा कि पहले कोई चीज़ कन्फर्म कर लें, कोई बात हो उस पर ज़रूर बात कर लें, यहाँ पर ऐसा क्या होता है बात हुई भी नहीं होती है और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जिससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत ईजी हैं सर, रातों में नींद नहीं आती जब टीम हार जाती है, इतना प्रेशर होता है। और जिस तरीके से इंडिया वाले मैच के बाद जिस तरीके से गेट साइज हुआ, फिर एक बीच में एक और वाक्य हो गया, तो देखिए उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम लोग भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं सारे जितने भी खेलते हैं, कभी भी जाहिर सी बात है छोटे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उसको छोटा समझ के या कोई मैसेज दे दिया करें या माफ़ कर दिया करें, लेकिन जातियात पर जब तनकीद होती है तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते और ना कुछ करेंगे, अगर बोलेंगे तो फिर भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो फिर भी फंसेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल तनकीद करें, तनकीद करना बिल्कुल राइट है और हम लोग उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले चीज़ों को कन्फर्म कर लें, उसके बाद जितना मर्जी अगर वो चीज़ हुई हो उसके बाद जितनी मर्जी हमारी उड़ाना हो उड़ाएं ऐसी करें, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कर लें, क्योंकि बहुत दुख होता है कि जब कोई बात भी नहीं हो, जैसा कि इशू हुआ था कोई बात भी नहीं थी ना वो मैंने बात कही, लेकिन जिस तरीके से वो बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एज अ मुझे जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। देखिए सर कौन से सवाल का जवाब दूँ, केदार जाधव वाला सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए
केदार जाधव जब बैटिंग करने आया तो उससे पहले मुझे ना थोड़ा सा हसन अली पे थोड़ा गुस्सा आया हुआ था, तो वो मेरी हसन अली पे थोड़ा गुस्सा था। वो एक चौका ऐसा मार गया था जो कि बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से मार गया था, तो मुझे पता है कि मेरे बॉलर का कोई ऐसे चौका मारा तो वो एक एग्रेशन था कि इसने मेरे बॉलर को चौका कैसे मारा। उसके बाद उसने जब छदाब को चौका मारा तो वो थोड़ा गुस्सा और बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा एग्रेशन था कि मेरे बॉलर को ऐसे आके बड़े बड़े बैट्समैन खेल नहीं पा रहे और इसने आके दो चौके मार दिए पहली बॉल में, तो वो एक एग्रेशन था आउट होने के बाद। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, बस वो थी कि उस वक्त थे क्योंकि फीलिंग ऐसी थी कि उस वक्त ये नहीं चाह रहे थे कि कोई भी बैट्समैन आके इतने मजे से मेरे बॉलर को खेले, तो बस वो एक ऐसी फीलिंग थी। और जहाँ तक आपने बात की अजय अली की, देखिए अजय अली पहले से कप्तान था और वो टीम में खेलता आ रहा था और उसको टीम में इंडक्शन हुआ है और जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस किए वो आपके सामने, सर उस वक्त का मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं था सर उस वक्त टीम में। हाँ देखिए सर, मैंने बिल्कुल सारी क्रिकेट जो अपनी कराची में खेली और कराची सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि केसीसी अंडर 15, 17, 19 और उसके बाद मैंने कराची से खेली और सारी, असल में देखिए एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है वो है हमारी क्लब क्रिकेट टीम। जब मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा रेगुलर थी, सीमेंट के हम लोगों ने मैचेस खेले थे, वो सीमेंट के ग्राउंड जो है हमारे ख़त्म हो गए और क्लब क्रिकेट जो है वो मतलब ख़त्म होती जा रही है। तो आई थिंक सबसे मेन चीज़ जो है अगर क्लब क्रिकेट हमारी दोबारा से मैचेज, क्योंकि अभी केसीसी अपनी पूरी कोशिश करती है, अभी भी आज भी दोपहर में मैं मैच खेल के आ रहा हूँ प्रेसिडेंट कप का, तो ये है कि केसीसी अपनी कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बहाल किया जाए। क्लब क्रिकेट होगी तो क्लब क्रिकेट से आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे, क्लब क्रिकेट एक नर्सरी होती है तो आई थिंक क्लब क्रिकेट होती रहेगी क्योंकि केसीसी अंडर 15, 17, 19 वो तो चलती रहती है, लेकिन अगर क्लब क्रिकेट होगी तो उससे आपको प्लेयर प्रोड्यूस जरूर होंगे। देखिए लॉजिक यही थी कि एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन था और मुझे उस वक्त ये पता लगा कि इमान ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, हालांकि उस वक्त काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप क्यों बैटिंग करने के लिए, हालांकि प्लेटफॉर्म सेट था मैं भी जा सकता था बैटिंग करने के लिए, लेकिन उस वक्त जो है मुझे ये लगा कि इमान वसीम को भेजना चाहिए और वो गया और उसने ज़बरदस्त बैटिंग की वहाँ पर। सर देखिए अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया और ये चीज़